भोपाल में डॉक्टर बाला सुसाइड केस में अब छात्रा के परिजन का बयान सामने आया है। परिजन ने एचओटी अरुण कुमार को निलंबित करने की मांग की है। साथ ही थाने में एचओटी समेत 5 डॉक्टरों के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई है। मृतक के परिजन भी अब जूनी डॉक्टरों के साथ धरने पर बैठ गए और न्याय की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि बीते दिनों गांधी मेडिकल के छात्रा ने सुसाइड कर लिया था, जिसके बाद से ही प्रदेश भर के डॉक्टर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। सीनियर आरएमओ ड्यूटीज है, ये 36 घंटे की ड्यूटी है। लगातार एक टाइम अगर आप ड्यूटी पे आ गए तो 36 घंटे यहाँ हॉस्पिटल में ही रहना पड़ता है, इसके बाद ही आप बाहर जा सकते हैं। ऐसे ड्यूटी हफ्ते में 3 बार कराते थे, कभी कभी 2 बार कराते थे। मंडे को करा दो, थर्सडे को करा दो, फिर मंडे को करा दो, ऐसा होता है। एंड ये सब काम करने में उन्हें मुश्किल नहीं लगता था, वो खुशी काम करती थी। पर ये सब काम करने के बाद ही उन्हें कामचोर बोला जाता था, और उन्हें बोला जाता था कि आप डॉक्टर बनने की लायक नहीं है, और बोला जाता था कि आप लोग सिर्फ पैसों के लिए आई है, तो जो काम हम कह रही है वो काम करना है, पैसों के लिए आए तो काम करते रहो। मतलब ये क्या मतलब हुई, वो स्लेव्स नहीं है ना, वो डॉक्टर्स है, अपनी खुद का लाइफ भी होता है। एंड अगर आप प्रेग्नेंट हो गए तो ऐसा बोला जाता था कि आप सिंपथी के लिए प्रेगनेंसी, लाइक आप खुद प्रेग्नेंट हो गई है क्योंकि आपको सिंपथी लेना है कामचोर बनना।